रामपुर की भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा को लेकर सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें जयप्रदा को नाचने गाने वाली तो बताया ही, साथ ही यह भी कहा कि अब रामपुर में लोगों की शामें रंगीन हो जाएंगी। सर, सपा जिला अध्यक्ष का बयान आया है जिसमें रंगीन रातों का जिक्र किया गया, तो क्या पूरा मामला है और इसमें क्या चल रहा है? अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा रामपुर की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय जयप्रदा जी के बारे में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उसका संज्ञान लेकर के इनको नोटिस निर्गत की जा रही है और उसको प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, नोटिस जारी होने के बाद संतुष्टिकरण नहीं पाया जाता फिर क्या होगा? तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत RP एक्ट एवं IPC की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बधाइयों और रामपुर पे ले आए, और दोनों बड़ी अजीब गरीब चीज़ें हैं। जयप्रदा जी, तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं, तो बड़ी अजीब अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी मौका चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हालांकि सूझबूझ के हैं क्योंकि रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने इतना काम कराया है, तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के, लेकिन अपने मज़े लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफ़े मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी, मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहाँ चले जाएँ, तो मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की संभल की बड़ी इस मामले में देख रेख करनी पड़ेगी। जीतेंगे तो यहाँ भी और जीतेंगे हम रामपुर में भी और जीतेंगे बधाइयों में भी। वो पता नहीं कहाँ से कौन सी, अभी आप बता रहे थे आ गई हैं मैडम, तो बताइए नहीं, मैंने सुना था कि मैं भी गुंडी बन जाऊंगी, तो भाई हमने आपको शरीफी का सर्टिफिकेट तो किसी ने दिया नहीं है, और जो सर्टिफिकेट आपके पास गुंडी के हैं तो सर्टिफिकेट गुंडी का तो गुंडे ही रहोगे। और BJP के लोग तो अक्सरियत में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाएं तो ऐसी हैं, अल्लाह तौबा तौबा, मैं उनके ऊपर कोई रोश नहीं, क्योंकि भैया चुनाव चल रहा है, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। अब कोई अपने आप को गुंडी बता दे या कोई नाचने का काम करे गाने का, वो उनका अपना पेशा है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। फिरोज खान ने को बयान दिया है जयप्रदा के लिए, रामपुर के लिए, इस मामले में क्या कहना आपको? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने जो बयान जयप्रदा जी के लिए कहा है कि जयप्रदा जी के आने पर रामपुर की लोगों की रातें रंगीन हो जाएंगी, उस बयान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिरोज खान अपने बयान को सोच समझ के बयान दें। जब ये जयप्रदा एक बार समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी से ये सांसद भी चुनी गई हैं पूर्व में, तो जब उस समय इनका कौन सा रिश्ता था? भाई बहन का रिश्ता था, तो क्या भाई बहन के रिश्ते के साथ रातें रंगीन होती हैं? इसका मतलब इनके घरों में जो इनकी बहनें हैं क्या उनके साथ ये अपनी रातों को रंगीन करते हैं क्या? इसमें कुछ आगे कार्रवाई कराएंगे या ऐसे ही ऑनलाइन टिकट? ये विषय आयोग का है, आयोग संज्ञान में ले इस विषय को। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जयप्रदा जी सबकी बहन है, ये एक जमाने में फिरोज खान की और आजम खान की बहन हुआ करती थी, तो आज भी वो बहन है, हमारी भी बहन है। यदि वो बहनों के ऊपर इस प्रकार से कि रातें रंगीन हो जाएंगी इस प्रकार का जो बयान दिया है, इसका मतलब फिरोज खान की जो बहन है या उनके परिवार में जो बहनें हैं क्या भय रातें रंगीन करवाती हैं क्या?